आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बिजावर में दिव्यांग चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टरों ने बच्चों का परीक्षण किया और उनकी रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद इन बच्चों के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जनपद शिक्षा केंद्र में स्कूल में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों का एक दिवसीय चिकित्सा मूल्यांकन शिविर लगाया गया, जिसमें ग्रामीण स्कूलों के बच्चों का कृत्रिम अंग निर्माण के लिए निगम के सहयोग से परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर की टीम ने दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्र भर से आए बच्चों का परीक्षण किया और उनकी रिपोर्ट तैयार की, जिसके उपरांत बाद में उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। तो हमारे ब्लॉक में CWF बच्चे, विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, यदि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनको यहाँ देख कर डॉक्टरों द्वारा जांच करके अब उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, और इसके बाद जो बच्चों का चयन होता है उनको बाद में उपकरण भी दिए जाते हैं जो इसकी आवश्यकता जिस बच्चे को होती है। ऐसे में बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ता है और विकासखंड स्तर पर ही उनके प्रमाण पत्र बन जाते हैं, उनको उपकरण मिल जाते हैं, जिससे कि जो शासन से छात्रवृत्ति मिलने वाली है 40% से ऊपर विकलांग बच्चों को, उनको आराम से छात्रवृत्ति मिल सके। आज ये बच्चों का मूल्यांकन शिविर का आयोजन था। जो बच्चे जिनके सर्टिफिकेट नहीं है या जिन बच्चों को उपकरण की आवश्यकता है, जैसे कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी है LMCO द्वारा, वहाँ से बच्चों के उपकरण आते हैं, वो उपकरण बच्चों को दिलाए जाते हैं। जनपद शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि प्रति वर्ष की तरह यह शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 190 बच्चों का पंजीयन कराया गया। इन बच्चों का मूल्यांकन के बाद प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों को उपकरण दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।